शायद आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं कि अनलिमिटेड लोड जनरेटर कैसे बनाएं। तो चलिए किसी भी बकचोदी के घरे बिना वीडियो को शुरू करते हैं। तो हमें सबसे पहले स्टोन ब्रिक्स, लीवर, रेड स्टोन टॉर्च, रेड स्टोन डस्ट, रिपीटर और दो चेस चाहिए, और गिलास चाहिए, ड्रॉपर चाहिए, और कारपेट, एक वाइट कारपेट चाहिए, और हमें एक नेम टैग चाहिए। आप किसी भी नेम टैग के लिए, और चाहिए गोल्ड ब्लॉक, एक चाहिए स्टिकी पिट्सन, और हमें चाहिए एक हॉगलिन। अगर आप क्रिएटिव में बनाना है, एक हॉगलिन एग ले लिया, तो अगर आप सर्वाइवल बनाना है तो आप ऐसे ही कैप्चर कर लीजिए उसे। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हमें लगाना है एक ब्लॉक, उसके ऊपर एक ब्लॉक और इधर अदर ब्लू, एक एक ब्लॉक और बीच वाले ब्लॉक को हमें तोड़ देना है, और हमें लगाना है इधर लीवर। लीवर लगाते हैं, फिर इसके नीचे लगाने में टॉर्च, ऐसे नहीं ऐसे। तो चलिए, फिर चाहिए हमें एक रिपीटर। रिपीटर को हमें इस टाइप को मुँह करके लगाना है। फिर आपको लगाना है एक रेस्टोन डस्ट ब्लॉक के नीचे, जो आपकी एक ब्लॉक बन जाएगी एक, और फिर आपको इसे ऑफ कर देना है। और फिर आपको लगानी है दो चेस्ट लगानी है आपको। फिर आपको एक हॉपर लगाना है, मैं हॉपर ले लेता हूँ, हॉपर इन्वेंट्री में से अभी लेके हॉपर सर्च कर लेते हैं, हॉपर। तो आपको लेना है हॉपर, हॉपर को आपको क्राउच होकर एक चेस्ट को लगा देना है, एक ही चाहिए। फिर आपको इसके ऊपर एक ब्लॉक लगाना है, फिर इस चारों साइड पर आपको लगाने हैं ग्लासेस, और आपको ब्लॉक को तोड़ देना है। फिर आपको लगाने हैं एक लिया दूर लगानी है, फिर आपको लगानी है नीचे इस ऊपर के नीचे कारपेट, और कारपेट ले लेता हूँ, आपको इसे वाइट कारपेट ले लीजिए। और इधर लगाना है मुझे येलो कलर का, इधर लगाना है ड्रॉपर। ड्रॉपर लगाने के बाद मुझे यहाँ पे स्पॉन करना है हॉगलिन, पिगलिन स्पॉन करना है, और इसे स्पॉन कर देते हैं। और इधर मुझे गोल्ड रखना है, और सबसे पहले इसे नहीं, क्योंकि मैं इसे नेम टैग देता हूँ पहले, और आप उसे नेम टैग देंगे तो ये डिस्पॉन नहीं होगा, आपको इसे नेम टैग बना के देना है। नेम टैग मैंने इसे हेलो दे दिया है, और इसे आपको कवर कर देना ऊपर से भी। फिर आपको जाना है नीचे, आप देख सकते हैं ये कुछ ऐसा लगेगा। फिर आपको जाना है नीचे, तीन और लगाने हैं रेड स्टोन डस्ट। फिर आपको एक स्टेयर टाइप बना के ऊपर को लेके जाना है, और इससे कनेक्शन करना है हमें, हमें इससे कनेक्ट कर देना है। फिर आपको इस साइड जाना है, फिर आपको फोर रेड स्टोन इधर से लाने हैं खींच के, देखिए इस साइड इस तरह। फिर आपको चाहिए स्टिकी पिट्सन और एक गोल्ड ब्लॉक, आप इसे फिर आपको लगा देना है ये। फिर आपको चाहिए गोल्ड इंगट, अभी मैं इन्वेंट्री में से लेता हूँ गोल्ड इंगट, गोल्ड इंगट। फिर मुझे इसे ड्रॉपर के अंदर इसे प्लेस कर देना है। अब ये कंप्लीट हो चुका है। फिर आपको ये लीवर को प्रेस करना है, आप देख सकते हैं, देखिए ये लूट एक्सचेंज कर रहा है और ड्रॉप कर रहा है नीचे। चलिए मैं इसे कलेक्ट होने देता हूँ, देखते हैं। आपको बस एक चीज़ का ध्यान रखना है इसके अंदर, आपको इधर गोल्ड डालते रहना है। अगर आप भी चाहते हैं कि मैं एक गोल्ड फार्म की वीडियो बनाऊं, तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और मैं अभी आपको दिखाता हूं लूट, अभी थोड़ी कम है,
अभी थोड़ी देर में आती होगी, ये सारी लूट इसके अंदर आने दीजिए। तो आप देख सकते हैं हमारी मशीन कुछ ऐसी लगेगी, आप देख सकते हैं। चलो मैं आपको लूट दिखाता हूँ। आप देख सकते हैं हमारी लूट कितनी है। मुझे मिले हैं ग्रेवल, एक स्टैक से ज़्यादा ग्रेवल मिली है, सोल चेन मिली है, और बहुत सारी लूट मिली है, इंटरपॉल्स मिली है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और देखते रहिए।